ये है PECHS ब्लॉक 2 में कायम राहत इस्लामिया स्कूल, जहां तुलबा सरापा एहतजाज है स्कूल में बिजली ना होने के बायस। उन्होंने हाथों में बैनर्स उठाकर बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। तुलबा का कहना था कि एक साल से बिजली के बगैर गर्मी में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि असाज़ा को भी बिजली ना होने के बायस परेशानी का सामना है। हमारे स्कूल में एक साल से लाइट नहीं है, हमारे स्कूल में बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। बहुत अंधेरा होता है क्लासरूम में, हमसे देखा भी नहीं जाता और पंखे भी नहीं चलते। पढ़ते तो हमें इतना पसीना आता है, हम वो कॉपी फालतू कॉपी हमें से पेज फाड़ के हम पंखे चलते। अंधेरा होता है, काम भी नहीं होता और पानी भी नहीं है। तकरीबन 650 बच्चा पढ़ता है और इतनी शदीद गर्मी है कि बच्चे जो ना बेहोश हो जाते हैं, और गर्मी की वजह से टीचर्स को पढ़ाने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्कूल हेड कैंपस सीमा मुनीर का कहना था कि बिजली का बिल 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है। महकमा तालीम की जानिब से बिल अदा ना होने पर बिजली मुनकता की गई है। अक्सर ब्रेक के बाद फिर उनको फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग देते हैं, फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। फिर यहाँ पे टीचर्स का भी इशू ये आता है कि BP की मरीज़ा हैं और शुगर की पेशेंट हैं, उनसे क्लासों में नहीं बैठा जाता गर्मी में। मतलब ये कि काफ़ी डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक महकमा तालीम को बिजली मुनक़िता होने से मुतालिक आगाह किया है, इसके बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ कंजा फैसल, जियो न्यूज़, कराची।